सो ए गाइस, एनी वर्ल्ड इज हियर। सो आज हम वापस आ चुके हैं कुछ नई गेमिंग न्यूज़ एंड सोशल मीडिया न्यूज़ के साथ। आज हम बात करेंगे सबसे पहले फ्लाइंग बीस्ट के ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, क्रॉन्टन के सब्स गिरने के रीज़न के ऊपर, साथ में हम बात करेंगे कैरी मिनाटी की वेब सीरीज़ का, एंड आज स्काउट का डिटेल्स जानेंगे कि उसका चैनल कैसे हैक हुआ, एंड हिंदुस्तानी भाव का जो सॉन्ग आ रहा है 10 तारीख को वो किसके रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड चलो शुरू करते हैं आज का। सो गाइस, जो हमारी फर्स्ट स्टोरी आ रही है वो आ रही है टेक्निकल गुरुजी एंड फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर। टेक्निकल गुरुजी का एक जो ब्लॉगिंग चैनल है गौरव चौधरी के नाम से, वो था इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब्ड ब्लॉगिंग चैनल, बट फ्लाइंग बीस्ट ने उनको कर दिया है क्रॉस और बन चुके हैं मोस्ट सब्सक्राइब्ड व्लॉगर इन इंडिया। सो बहुत ही कंग्रेचुलेशन टू फ्लाइंग बीस्ट टू रीच दिस माइलस्टोन। गाइस, हमारी सेकेंड स्टोरी है वो है क्रॉन्टन के ऊपर। कुछ दिन पहले क्रॉन्टन अपने लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, एंड उनकी चैट में कुछ लोग बोल रहे थे कि उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर से कम हो चुके हैं, बिकॉज उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे। बट आफ्टर द पबजी बैन, काफ़ी पबजी स्ट्रीमर्स जो कि सब्सक्राइबर लूज कर रहे हैं उनमें क्रॉन्टन का नाम भी आ चुका है। सो क्रॉन्टन अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ डिटेल दिया, उनकी स्ट्रीम का एक छोटा सा क्लिप आप भी देखिए। हाँ, लेट्स हिट 2 मिलियन अगेन गाइस। यार कोई दिक्कत नहीं है, देखो सीन बताता हूँ, सब लॉस देखो मैं बताता हूँ, नहीं 2 मिलियन पता है कितने, 2 सब्सक्राइबर चाहिए हमें 2 मिलियन के लिए, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। गेम बैन होने के बाद गाइस बहुत सारे लोग हैं और इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स यूट्यूब ने बुम बाम कर दिए थे, एंड दूसरी एक चीज है वो स्काउट ने जो रेड करे थे गाइस जिनको कुछ पता नहीं था, और वो भी बूम बाम अनसब्सक्राइब करके चले गया। सो गाइस, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, क्रॉन्टन भी ये एक्सप्लेन करना चाहते थे कि आफ्टर द पबजी बैन काफ़ी सब्सक्राइबर जो अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं चैनल को, उससे भी सब्सक्राइबर लूज हो रहे हैं, एंड आल्सो यूट्यूब का भी एक एल्गोरिथम है कि जो चैनल इनएक्टिव रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब से हट जाते हैं और अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। सो अभी तो मोस्टली रिक्वायरमेंट यही है कि ऑडियंस को एक ऐसी गेम चाहिए जो कि पबजी के कवर अप कर सके, जब तक कि पबजी अनबैन नहीं होती। और पबजी अनबैन की न्यूज़ हमने हमने कल भी कवर की थी कि पबजी अब एयरटेल के साथ बात कर रहा है फॉर द गेमिंग राइट्स, तो होपफुली नियर फ्यूचर में जितना हो सके जल्दी आई थिंक पबजी अनबैन हो सकता है, अगर तो पबजी एयरटेल के साथ कोई डील क्रैक कर लेता है। अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन आएगी तो इसके बारे में हम डिटेल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और आप कल का वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो हमने कल कवर अप किया था न्यूज़ एयरटेल एंड पबजी के ऊपर। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कैरी मिनाटी के ऊपर। सो यहाँ पे कैरी मिनाटी ने अपनी वेब सीरीज लॉन्च होने की एक अनाउंसमेंट की है और एक छोटा सा वीडियो उन्होंने डाला है, तो आप वीडियो चेक कीजिए। Hi guys, Ajay here. I just had an exclusive interview with Kiran Rai and Ralph Pereira. We talked about YouTube in India, my time in quarantine, my videos, and also a web series that I'll soon start scripting. So stay tuned and share this video. एंड आसो कैरी मिनाटी ने यहाँ पर एक आर्टिकल के बारे में बताया जो कि इंडिया टुडे ने पोस्ट किया है रिगार्डिंग सम क्वेश्चन Q&A हुआ था कैरी मिनाटी के साथ इंडिया टुडे का। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट स्टोरी है भुवन बाम AKA BBK1 की तरफ से। भुवन बाम ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किया था, तो आप वो स्टोरी पहले देखिए और आपको समझ आ ही जाएगा कि ये नेक्स्ट वीडियो का उनका छोटा सा टीजर है जो कि कुछ जल्द ही आने वाला है। सो होपफुली आपको कुछ ही दिनों में भुवन बाम का नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट स्टोरी आ रही है स्काउट की तरफ से। जैसे कि आपको पता होगा स्काउट का चैनल कुछ दिन पहले हैक हुआ था, तो उन्होंने एक वीडियो एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनका चैनल कैसे हैक हुआ, और उन्होंने ये भी बताया कि उनका इंस्टाग्राम के साथ भी छेड़खानी हुई थी। सो उनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखिए। देखो हम खेल रहे थे वैलोरेंट, गोल्डी भाई मैं रिपेल हम लोग वैलोरेंट खेल रहे थे, वैलोरेंट खेल के उठते हैं तो भैया मेरे को आता है नोटिफिकेशन कि योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड। मैंने कहा रिवेश क्या होगा, क्योंकि हम लोग हर महीने पासवर्ड बदलते हैं अकाउंट का। मैं आधा घंटा हुआ, आधा घंटा गोल्डी भाई का फोन आता है, मैं तुमने पासवर्ड चेंज किया क्या, शायद रिवेश क्या होगा। गोल्डी भाई बोले जाकर पूछ, ये हमारे साथ सो रहे थे तो मैं जाकर पूछा कि अरे उर्वेश तुमने चेंज किया क्या। उर्वेश बोला नहीं मैंने तो नहीं चेंज किया। हम लोग लगा थक चेंज किया होगा, अब थक को कॉल किया, थक थक भैया फुल टाइट सोए हुए, टाइट मतलब सोए हुए और कुछ नहीं, गलत मतलब लॉन्डो अब फटी गांड।
अब हम लोग ट्राई किया लॉग इन, भैया लॉग इन हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब मेरा चल रही है, एक हो जाता है कभी कुछ बग हो जाता है। बट सबसे मेन सीन पता क्या हो गया कि अपना जो अकाउंट है ना, जब पासवर्ड चेंज हुआ है भाई, कुछ आया ही नहीं अलर्ट कि भाई यू आर बीइंग, कि आप लॉग इन कर रहे हो कहीं और, ऐसा फलाने पर कुछ ना, सीधा अकाउंट चेंज। ठीक है, आप आदमी का एक बैकअप रहता है, क्या होता है रिकवरी ईमेल। तो भाई तुम को इंसिडेंस हो सकते हो, क्या हुआ होगा बताओ, क्या हुआ होगा अपना रिकवरी ईमेल का, रिकवरी ईमेल के साथ फोन नंबर भी चेंज। तुम समझ रहे हो भाई, बंदा कोई रशिया का था, अपना मेन ईमेल हैक किया, रिकवरी ईमेल चेंज किया, फोन नंबर चेंज किया, दो नए फोन नंबर डाले, ऐसा भी नहीं कि एक, भाई साहब ने पूरा मतलब चैनल का हुलिया ही बदल दिया। चलो ठीक है, अब यहाँ तक समझ लो गले तक आ चुकी चीज़। ठीक है, हम लोग करते हैं ट्वीट, देखो भाई ऐसा ऐसा सीन्स होता है, यूट्यूब प्लीज हेल्प अस, यूट्यूब का आता है रिप्लाई, तो गले से चीज़ें से नीचे उतरती है, ऐसे छाती तक आई। ठीक है, चीज़ें बातें से गले से उतर के छाती तक आ चुकी है, टू फैक्टर हर चीज़ था, लिटरली हर चीज़ था। और जैसे छाती तक आया तो एक नोटिफिकेशन क्या आता है मेरे इंस्टा पे, यार अकाउंट हैज अ सस्पिशियस लॉगिन फ्रॉम स्वीडन। So guys, हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है हिंदुस्तानी भाव की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही होगा, हिंदुस्तानी भाव का एक नया सॉन्ग आ रहा है मुंबई मचात, जो कि होगा 10 अक्टूबर को रिलीज, और इसमें वो रिप्लाई करने वाले हैं मनोज बाजपेयी के सॉन्ग मुंबई में काबा को। और आज हिंदुस्तानी भाव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मनोज बाजपेयी, अनुभव सिन्हा, टी सीरीज, बादशाह एंड रफ्तार को टैग करते हुए बोला कि 10 अक्टूबर को मिलेगा जवाब। सो गाइस देखते हैं कि क्या ये जवाब रहेगा 10 अक्टूबर को। आई थिंक दिस सॉन्ग विल बी अ डिस्ट्रैक्ट अगेंस्ट मनोज बाजपेयी के सॉन्ग मुंबई में काबा को। सो गाइस ये थी हमारी आज की कुछ न्यूज़, एंड अगर आपको कोई भी न्यूज़ शेयर करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ड दोनों में से किसी भी डीएम कर सकते हैं, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, हमारा प्रोफाइल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और आसो हमारी डेली गेमिंग स्ट्रीम के साथ जुड़िए, साथ में खेलिए, एंजॉय करिए। एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, सो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।